हे गाइस, वेलकम बैक टू द जीके ब्लॉग्स विद अ शॉर्ट वीडियो। और मैं ये नई वीडियो लाया हूँ यहाँ पे स्कॉर्पियन के दोनों कलर दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही प्रीमियम कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन चलता है। एंड पर्सनली मुझे वैसे दोनों कलर पसंद है, बट ब्लैक कलर एक डस्ट और मेंटेनेंस के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट लुक्स दोनों की बहुत शानदार है। व्हाइट कलर हमेशा ग्लॉसी चमकता रहता है। अब तक स्कॉर्पियो सीरीज में एक पर्ल व्हाइट कलर आया करता था, जो कि येलो बेस पे रहा करता था, लेकिन अब XUV700 से इन्होंने एवरेस्ट व्हाइट निकाल दिया, जो कि एक परफेक्टली शाइनी व्हाइट शेड है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और गंदा नहीं होता है। व्हाइट का सबसे मेन बेनिफिट ये है। दोनों गाड़ियों की लुक्स बड़ी शानदार है, मुझे पर्सनली दोनों पसंद आई। अगर बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो पीछे से भी व्हाइट कम डस्ट पकड़ती है, बिकॉज एसयूवी है तो पीछे से गाड़ियां डस्ट पकड़ती है, व्हेयरएज ब्लैक ज्यादा पकड़ती है। आपको कौन सी पसंद है, डू लेट मी नो। इसके और भी कलर्स आते हैं व्हाइट और ब्लैक के अलावा, जैसे कि अब ये फ्रंट लुक है व्हाइट और ब्लैक का, जो खतरनाक लग रहा है दोनों का ही। प्लस इसके साथ आपको मिल जाता है ये रेड कलर। पर्सनली रेड कलर स्कॉर्पियो का इतना अच्छा चला नहीं है पहले भी ना, और ये जो इनका मिलिट्री शेड है ये बहुत ही प्यारा है, बट ये भी एक डार्क सेगमेंट में ही आ जाता है, इसीलिए ब्लैक और ग्रीन शेड जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस कलर का फर्क है, बट डस्ट दोनों पे ही जमने वाली है। शोरूम पे खड़ी हुई ब्लैक गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब रोड पे चलती है तो डस्ट बहुत पकड़ती है। अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो ये डार्क कलर दो, अदरवाइज गो फॉर द व्हाइट।